नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका टारगेट है SSC का कोई भी एग्ज़ाम 2021-22 में, अगर आप कोई भी SSC का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आपको ही पता है कि कितना कंपटीशन है और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं आप अपनी जो सीट है वो पक्की कर सकते हैं। मैं स्पेशली आज बात करने वाला हूँ SSC CGL और SSC CHSL एग्ज़ाम के बारे में कि इन दो एग्ज़ाम में कैसे आप 180 प्लस स्कोर गेन कर सकते हैं, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए और किस प्लानिंग के साथ आप प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे ईमानदारी से तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, जिसमें आपका 27 तारीख को स्कॉलरशिप जो टेस्ट है वो होने वाला है। और इसकी खास बात क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें अगर आपकी रैंक 1 आएगी तो आपको लैपटॉप मिलेगा, 2 से 6 तक की रैंक अगर आपकी आएगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। उसके अलावा 300 जो विनर हैं उनको 1000 तक का गिफ्ट वाउचर मिलेगा और ढेर सारे यहाँ पे आपको प्राइजेस मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आपका SSC वालों के लिए अलग है, रेलवे वालों के लिए अलग है और बैंक वालों के लिए अलग है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें मुझे लगता है कि आप अगर काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं प्राइजेस जीत सकते हैं। आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो SSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही होंगे। तो मेरी सभी एस्पिरेंट से यही एडवाइस है कि आप इस टेस्ट को जरूर दीजिए। ये 27 तारीख को होने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है PKV10, आपको वहाँ पे एनरोलमेंट हो जाएगा और 27 तारीख को ये जो टेस्ट है SSC के लिए 2 बजे से आपका लाइव रहेगा। इसके अलावा आपके लिए एक और ऑफर है, अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्सेस लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मंथ की वैलिडिटी वहाँ पे दी जाएगी। जैसे अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं तो 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसी तरीके से 2 साल का अगर प्लान लेते हैं तो 1 साल का प्लान और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 3 साल का प्लान मिलेगा 2 साल का प्लान लेने पे। तो ये बेस्ट ऑफर है, यहाँ से आप अपने बेस्ट जो एजुकेटर हैं उनसे पढ़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करिए और मेरा जो कोड है PKB10 उसे यूज़ करिए, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आज का जो सिनेरियो है उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को, जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS, इसमें किसी भी सब्जेक्ट को आप कम नहीं कर सकते। इससे पहले अगर हम 2013-14-15 का अगर सिनेरियो SSC का देखें तो क्या होता था कि अगर हम एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा लेस भी कर देते थे तब भी हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाता था। क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम, इससे पहले स्टूडेंट सोचते थे कि इंग्लिश और मैथ्स पे ही पूरा पूरा फोकस्ड है, तो अगर एक सब्जेक्ट थोड़ा सा डाउन भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का जो सिनेरियो है इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं कर सकते। किसी भी सब्जेक्ट को कम करने का मतलब है चूँकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जा रही है तो प्री में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको जो SSC का सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत। देखिए यहाँ पे जो आपका रीजनिंग का पार्ट है और GS का पार्ट है, इसे आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से कम टाइम में इसको आप कवर कर सकते हैं। आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसको दो पार्ट में, मेरे हिसाब से आपको दो पार्ट में तोड़ना चाहिए। एक तो है आपका मैथ्स और इंग्लिश, जो कि आपका मेंस में भी आपको मदद करेगा, तो इस पर आपको शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप पिछले सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी इस पर पकड़ भी होगी। और दूसरा पोर्शन है आपका रीजनिंग और आपका GS का। रीजनिंग में क्या है कि अगर आप 10 से 15 दिन अच्छे से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद जो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उसी में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी रीजनिंग की कि उसमें आप 45 प्लस स्कोर इजीली गेन कर सकते हैं। और दूसरा है आपका जो सब्जेक्ट वो है GS। तो GS में आपको पता होगा जो करेंट सिनेरियो है, जो SSC का इस टाइम जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है उसमें जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करेंट के पूछे जाते हैं और स्टैटिक GK के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए अब आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको GS में बहुत
बहुत अच्छे नंबर आने, देखो ये आप श्योर नहीं कर सकते कि आप जहाँ जितना भी पढ़ लो आप इसमें ये श्योर नहीं कर सकते कि आपको इतने नंबर इसमें मिल ही जाएंगे। तो जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन अपनी डेली बेसिस पे करते रहो। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जो उत्कर्ष क्लासेस है, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर नाम का चैनल है, आप जानते होंगे इसके बारे में। उसमें कुमार गौरव सर की जो जीके की क्लास है वो सुबह 6 बजे आती है। सिर्फ इस क्लास को आप अगर डेली बेसिस पे आप अगर पढ़ते रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस क्लास को ईमानदारी से इस पे मेहनत करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर, कहने का मतलब ये है कि 30 से ऊपर आप स्कोर कर सकते हैं। वो पेपर पे डिपेंड करेगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि जिस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है इस टाइम पे एग्ज़ाम में, उस पे बेसिस ये बेस्ट क्लास है। इस पे अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आप बेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो पार्ट हैं आपके, जैसे कि ज्योग्राफी है, इसका जो बेसिक, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक इसका क्लियर करिए। ऐसे हिस्ट्री का जो बेसिक है उसे क्लियर करिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो NCERT वगैरह जो बुक हैं उनसे आप पढ़िए तो आपको ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इतना इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कितना भी मेहनत आप कर लें नंबर आपके उतने ही आने हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है, आप जब टेस्ट सीरीज देंगे तो जो भी जो पुराने क्वेश्चन है, जो GS के क्वेश्चन है, वो आपके रिपीट होते रहेंगे, वो रिवाइज होते रहेंगे, वो आप करके आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, जो रीजनिंग है, रीजनिंग में जो भी चैप्टर जिनमें आप फंस रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। बाकी टेस्ट सीरीज देंगे उसमें आपका इसकी कहानी बन जाएगी। और जो GS है, GS में आपको जो कुमार गौरव सर की क्लास है इसको आप अच्छे तरीके से डेली इस पर मेहनत करिए, डेली नोट्स बनाइए, आराम से आपका GS जो है बहुत अच्छा आप इसमें करके आएंगे। अब बात कर लेते हैं जो आपका मजबूत सेक्शन है, जो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, वो है मैथ्स और इंग्लिश। देखिए मैथ्स में क्या आपको करना है, जो SSC का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें आपने अगर CHSL एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखेंगे कि हर साल कहीं ना कहीं एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न को ये लोग फॉलो करते हैं। बस क्वेश्चन में नंबर सिर्फ चेंज होते हैं, बाकी पैटर्न वही है। तो 2017 के आप क्वेश्चन एक सेट अगर उठा के देखेंगे तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूरे जितने भी 2017 के सेट हैं उसमें आपको मिलेंगे, बस उसमें डिजिट का हेर फेर है थोड़ा। ऐसे ही 2018 में भी है, 2019 में, 2018 के पेपर थोड़े से अच्छे लेवल के आए थे, ठीक है, 2019 के। तो पैटर्न एक बार देख लीजिए, ऐसे CGL का पैटर्न देख लीजिए। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन पे आपको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बनानी है, उनको आपको ऑफलाइन भी सॉल्व करना है और ऑनलाइन भी सॉल्व करना है। इसके लिए जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें आपको प्रीवियस सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे टेक्स्ट बुक की है तो काफ़ी बेटर है टेक्स्ट बुक की इस टाइम पे। तो उसमें आपको करना क्या है कि डेली एक सेट जरूर देना है। तो ज़्यादातर फोकस जो अपना करना है मैथ्स के लिए वो प्रीवियस क्वेश्चन पे करिए, और जो अपना बेसिक है बेसिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, क्योंकि पूरा जो खेल है वो बेसिक का है। उसमें अर्थमेटिक भी अपनी अच्छे तरीके से उस पर पकड़ बनाइए और एडवांस पर भी पकड़ बनाइए। उसके लिए आप किरण बुक का भी सहारा ले सकते हैं या RS अग्रवाल बुक का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बेसिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए और टेस्ट सीरीज लगाइए। अगला जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके मेंस में भी काम आएंगे अगर आप CGL पे फोकस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंग्लिश के लिए आपको करना क्या है, एक तो अपना जो बेसिक है उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और दूसरा है कि जो वोकैब सेक्शन है उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। तो बेसिक के लिए आपको करना क्या है कि मिरर ऑफ कॉमन एरर, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की आती है बुक, उसको आप पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। उससे आपका जो बेसिक है, जो ग्रामेटिकल सेक्शन है, वो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे मेंस तक के लेवल के। उसे आप पढ़िए, उसे पढ़ने के बाद आपका इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद आप नीतू सिंह की जो बुक्स हैं, जो Volume 1 है, Volume 2 है, इनको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा वोकैब के लिए आप MB पब्लिकेशंस, उसमें पुराने जो प्रीवियस सेट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो उन सेट को सॉल्व करिए और जो वोकैब है उसको रिवाइज करिए। बाकी आप वोकैब के लिए एक बर्ड पावर की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी आप न्यूज़पेपर जो रीडिंग है उसको आप करते रहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी आप बेटर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इंडिविजुअल सभी का रोल बता दिया यहाँ पे कि किस तरीके से आपको करना है। देखो जो रीजनिंग और आपका GS है इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 से 15 दिन
देखिए आप पूरा रीजनिंग अपना अच्छे तरीके से जो भी टॉपिक हैं जिनमें कन्फ्यूज़न है वो क्लियर कर सकते हैं, बाकी टेस्ट सीरीज पे चलता रहेगा। बाकी जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया कि 1 से 1.5 घंटे आपको डेली सुबह देने हैं, आप जो कुमार गौरव सर की क्लास है उस पर टाइम दीजिए, नोट्स बनाइए, आराम से आप बेहतर स्कोर करके आएंगे। जब डेली क्लासेस लेंगे आप तो आपको खुद चेंजेस अपने आप नज़र आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो पूरा फोकस आपको करना है वो मैथ और इंग्लिश पे करना है। मैथ्स में बेसिक अगर आपका नहीं तैयार है तो बेसिक पे काम करिए और प्रीवियस क्वेश्चन जितने लगा सकते हैं उतने आप लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि ज़्यादातर जो खेल है वो प्रीवियस क्वेश्चन का है, ठीक है। और जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए उनमें जो क्वेश्चन आए, मतलब पैटर्न आपको सभी एग्ज़ाम का पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश में आपको अपना बेसिक कवर करना है, वोकैब पे ध्यान देना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, और उसके अलावा जो प्रीवियस जितने भी सेट हैं उन्हें आप जितना लगा पाएंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस तरीके का अगर आप माइंडसेट बना के रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ आपको एक डेली ज़रूर देनी है। एक देने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक जो तैयारी है उसे करने का एक रोड मैप मिलेगा। क्या है कि इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन, जब आप नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, पता चला एक ही सब्जेक्ट आप पूरे दिन पढ़ रहे हो। जब आप एक टेस्ट सीरीज़ दोगे तो वहाँ से एक आपको सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ मैंने इतना तैयार किया है, मेरे इतने नंबर आए हैं, मुझे इस पे काम करना है। तो उसके बाद फिर आप उसमें एनालिसिस करिए कि कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, किस पे कितना काम करने की ज़रूरत है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को सेक्शन वाइज बांट लीजिए कि ग्रामेटिकल पोर्शन में किस तरीके के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, वोकैब में कमज़ोरी हो रही है, किस में कमज़ोरी हो रही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कमज़ोरी हो रही है। इसी तरीके से मैथ्स में देखिए एडवांस के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, फिर एडवांस में भी बांट दीजिए कि आप ट्रायंगल के क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी अलजेब्रा के क्वेश्चन है वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अर्थमेटिक को इस तरीके से बांट दीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ को देख के आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अगर कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे और उसके बेसिस पे जब काम करेंगे तो काफ़ी बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आप 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखिए मैथ्स में पूरा आप ला सकते हैं स्कोर, ढेर सारे स्टूडेंट ला रहे हैं। अब वो टाइम नहीं है एसएससी का 2014-15 का कि आप पूरे में पूरा स्कोर नहीं कर सकते। बाकी रीजनिंग में आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें भी 45 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। और जीएस में वो आपके लक पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप डेली क्लासेस लेते हैं तो इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 30 से ऊपर नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए, आप बेटर से बेटर स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, मैथ्स के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है। इंडिविजुअली बताऊंगा आपको कि मैथ्स के लिए पूरी स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर आपको कुछ आता है या आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मैथ्स में किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, कौन सी बुक को आप पढ़ेंगे, ऐसे इंग्लिश में कौन सी बुक आपको पढ़नी है, जीएस के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, तो ये सारा कुछ मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके बीच में रखी हूँ उनसे कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई होंगे। इनको अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।